हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो स्क्रीन में देख पा रहे हो दोस्तों, आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से कुछ ही टाइप का फोटो एडिटिंग करना। तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हो, फोटो कितना कमाल का लग रहा है। जिस भाई को ऐसा फोटो एडिटिंग करना है तो यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आप भी अपने फोटो को इस तरह से एडिटिंग करना सीख जाएंगे, वो भी वन क्लिक में भी मैं आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा और फाइनली आपको फोटो एडिटिंग करना भी सिखाऊंगा, ताकि यार आपका अगर फोटो वन क्लिक में एडिटिंग नहीं हो पा रहा है ना, तो आप एडिटिंग करना भी सीख जाएंगे। तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटी उसको भी कर देना ऑल में, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो हमारा फोटो कुछ ही टाइप का है और फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको नीचे आपको सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। सेंड वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको सेंड कर देना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ये देख सकते हो लाइटरूम, ठीक है, LR, इसको भी आप LR बोलते हैं ना। तो इसी एप्लीकेशन के अंदर हमारे फोटो को शेयर कर देना होगा। तो फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों फोटो आ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके इधर आ जाना होगा, ठीक है दोस्तों। स्क्रॉल करके इधर आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कलर वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कलर वाला आइकन देखने मिल जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। कलर वाला आइकन में आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिक्स में क्लिक कर देना होगा। मिक्स में आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में क्लिक कर देना होगा, ये देख सकते हो ग्रीन कलर, ठीक है। अब आप जैसे ग्रीन कलर में क्लिक करोगे ना, तो ऊपर वाली लाइन को इधर माइनस कर देना होगा, ठीक है, माइनस यहाँ से कर देना होगा उनसे, ठीक है। और बीच वाले में क्लिक करके इसको भी यहाँ से माइनस कर देना होगा पूरा 100, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से आपको येलो कलर में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ से हम येलो कलर में क्लिक कर लेते हैं। येलो कलर में क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको भी आपको यहाँ से माइनस कर देना होगा, -30। और बीच वाले में क्लिक करके इसको भी यहाँ से माइनस कर देना होगा, -69 कर देना होगा, ठीक है, 81 कर देना होगा, सॉरी -81, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑरेंज कलर में क्लिक करते हैं फेस के लिए, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर दो नंबर में देखने मिलेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। इसमें आप क्लिक कर देना होगा, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे नीचे वाले में क्लिक करके इसको यहाँ से प्लस कर देना होगा +12। तो इसको आप जैसे बढ़ाओगे तो यहाँ पर चमक आ जाएगी। और ऊपर वाली लाइन पर यहाँ से माइनस कर देना होगा -11। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों डन वाला आइकन में क्लिक कर लेते हैं। डन में आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखते हो मिक्स के पास में आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, देखते हो, ठीक है। इसमें आप क्लिक कर देना है, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह से कलर वाले सर्कल आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाला कलर सर्कल सेलेक्ट कर लेना होगा और ये छोटा बिंदु इसको आपको ऊपर की तरफ ले आना होगा, ठीक है। लाने के बाद इसको गोल गोल घुमाना, आपको कलर मैचिंग कर लेना होगा दोस्तों। तो मैं इसको ग्रीन कलर की तरफ कर लेता हूँ इधर, ठीक है। तो आपको ग्रीन कलर की तरफ कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं ग्रीन कलर की तरफ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा। तो इसको मैं ग्रीन कलर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, देखती हूँ। इसको यहाँ से मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। रखने के बाद आपको सीधा तीन नंबर वाले कलर वाले आइकन में आ जाना होगा, ठीक है। आ जाने के बाद इसको भी छोटे से बिंदु को ऊपर की तरफ खींचना होगा और इसको ऊपर वाली लाइन को ऐसे कर देना होगा इसको ग्रीन कलर की तरफ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा। हो जाने के बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिटेल्स में क्लिक कर देना होगा। डिटेल्स में आप जैसे क्लिक करोगे, फर्स्ट में शार्पिंग को यहाँ से बढ़ा लेना होगा, 52 कर देना होगा इसको, और मार्क्सिंग को यहाँ से कर देना होगा 30, ठीक है। और इसके नीचे निवाइस तो इसको कर देना यहाँ से 33। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ बिफोर एंड आफ्टर फोटो बहुत ही कमाल का हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको प्रीसेट्स भी फोटो एडिटिंग करना सिखा देता हूँ। तो मैं रियल फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली रियल फोटो सेलेक्ट कर लिया। रियल फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गैलरी पे हमारा एक प्रीसेट है, ठीक है, कुछ ही टाइप का प्रीसेट है। और ये प्रीसेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। प्रीसेट से हम वन क्लिक में एडिटिंग करना सिखाएंगे। तो मैंने प्रीसेट को यहाँ पे सेंड कर दिया लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब डायरेक्ट बैक होके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देख ही पा रहे हो दोस्तों, हमारा रियल फोटो यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है और ये हमारी प्रीसेट भी आ चुकी है। तो ऊपर आपको 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा दोस्तों। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग में क्लिक कर देना होगा और नीचे टिक लगा लेना होगा। और यहाँ पर बीच में भी आपको टिक लगा लेना होगा, इसके भी टिक लगा लेना होगा। और ऊपर राइट वाला आइकन देखने मिल जाएगा छोटा सा, तो राइट कर देना होगा। यहाँ से कॉपी सेटिंग हो जाएगी और हमारे रियल फोटो को सेलेक्ट करके फिर से 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा दोस्तों।
ठीक है। थ्री डॉट में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है पेस्ट सेटिंग, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो सो गाइस वन के लिए मैं कितना कमाल का और कितना बवाल का हमारा फोटो एडिटिंग हो गया। तो फोटो को फुल एचडी में डाउनलोड करने के लिए ऊपर शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको सेव टू डिवाइस में क्लिक करके फोटो को गैलरी में फुल एचडी में कर लेना सेव। तो दोस्तों आपको प्रीसेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप आसानी से प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर देना। आगे भी आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी कमाल की एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।